हेलो, ठीक है। आपका परसेंटेज का टॉपिक बोल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 2 वाला, इम्पोर्टेंट काफी, ठीक है। सेकंड टॉपिक इसको हम थर्ड नाम देंगे, क्योंकि मैंने फर्स्ट टॉपिक को मीनिंग ऑफ परसेंटेज लिखवाया था, सेकंड आपको लिखा था चेंज इन परसेंटेज। अब सेकंड टॉपिक क्या है, आप लिखोगे मीनिंग ऑफ रिमेनिंग परसेंटेज। सर, ऐसी कोई हेडिंग है ना, ये जो भी हेडिंग होनी है, ऐसी कोई हेडिंग उसमें है नहीं। जैसे मैंने आपको कैटेगरीज बनवाई था कि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। तो ये सर, ये जो सेकंड है, अभी सेकंड कहाँ रही सर, ना ये तो आपकी थर्ड हो गई, सेकंड हो गई। तो ये थर्ड हेडिंग है, बिकॉज उसका मीनिंग क्या है। थर्ड हेडिंग सर, और क्या समझाना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं। सपोज करो, अभी आप बस, अभी आप नोट मत करना कुछ भी, या बस लिख के चलेंगे, ठीक है। सुनते चलना, देखते चलना, ठीक है। ठीक है। सलमान खान अंश अंश ठीक है। सलमान खान आंसर रुपीज आपको पता है सलमान खान क्या आंसर नहीं। अरे सलमान खान हीरो वाला सलमान खान नहीं है, ये सलमान खान दूसरा वाला है, ये सलमान खान दूसरा वाला है। आंसर रुपीज 1000 1000, ठीक है। एंड मम्मी सलमान खान आंसर रुपीज 1000 एंड स्पेंट रुपीज 400 स्पेंट रुपीज 400। नाउ व्हाट विल बी, ना बहुत सेविंग। अब उसकी सेविंग्स कितनी होगी, तो ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है। अगर आप देखना चाहते हो अगर कितनी सेविंग होंगी, तो अर्न कर रहा है 1000, ठीक है। स्पेंड कर रहा है 400 400। तो सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 400 इज इक्वल टू 600 इज इक्वल टू। सेविंग निकल आई, इनके सेविंग निकल आई, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया लिखने का। और मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, और तो सलमान खान कमाता है, ठीक है, 100 रुपीज, सॉरी 1000 रुपीज, सॉरी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ सर, जो टोटल अमाउंट है उसके पास आता है, उसके पास टोटल अमाउंट है, टोटलिटी मतलब डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है ना, फिर आपके पास सेक्शन है। सेक्शन क्या बताता है, सेक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है, वो डिनोमिनेटर बात करता है टोटलिटी के बारे में, ठीक है। और परसेंटेज में डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा क्या होता है, 100। तो यानी कि ये टोटल टोटल नंबर है, ये टोटल को मैं कैसे बोल सकता हूँ, किसको जितनी अर्निंग आती है 100% यही है, 100% उसकी अर्निंग क्या है, ये
तो मैंने कहा उस 100% में से 200 रुपये खर्च कर लेता है, तो परसेंटेज के टर्म से मुझे बता सकते हो परसेंटेज के टर्म से वो कितने रुपये खर्च करता है? परसेंटेज के टर्म से यानी 400 आउट ऑफ 1000 है ना, ये कितने परसेंटेज हो गए? तो आपने 12 किया ये, तो आपको मिला 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, सिंपल से 40, सिंपल से 40, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि वो कितने रुपये स्पेंड करता है, 40। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि अगर वो कमाता 100% है, कमाता 100% है और उस 100% में 40% अगर स्पेंड कर देता है, अगर 40% स्पेंड कर देता है तो सेव कितना करता होगा? तो वो सेव कितना करता होगा सर? अगर वो 100% कमाता है, अगर परसेंटेज के टर्म्स में बात कर रहा हूँ मैं, नंबर्स टर्म्स में, और 40% खर्च कर देता है तो बचा के 100-40 यानी 60%। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर हाँ तो वीडियो को बैक करके देख लेना। एक इंसान टोटल कमाता 100%, उसमें कुछ अमाउंट खर्च कर देता है। सपोज करो अगर आपको अब ये क्वेश्चन ना दिया, अगर आपको ये वैल्यूज ना दी, कौन सी वैल्यूज ना दी, तो आपको वैल्यू ना दी और आपसे बोल दिया जाए, सब ऐसे नहीं, आपसे बोल दिया जाए एक इंसान है, इंसान है 1000 रुपीज करता है, ठीक है, 1000 से कितने रुपये स्पेंड करते ही नहीं बताता, वो बताता है लेकिन परसेंट में बता देता है कि वो 1000 का 40% खर्च करता है, 40% क्या करता है, खर्च कर देता है। और अब ये तो उसकी सेविंग कितनी है, उसकी सेविंग कितनी है, आपकी सेविंग कितनी है? तो आपके पास के दो तरीके हैं, आपको दो तरीके हैं, पता है क्या सॉल्व करने के? पहला तरीका तो ये खुद, पहला तरीका तो ये वाला खुद, पहला तरीका ये वाला खुद है, हाँ सर, पहला वाला तरीका ये खुद कैसे मतलब पहले तो पक्का 40% निकालो कितने खर्च करता है, मैंने बोला 1000 रुपीज़ के ठीक है, अब वो कितने खर्च करता है रुपीज़ के टर्म्स में मुझे नहीं पता, लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में मुझे पता है कि 40% खर्च करता है। तो पहले आपने यहाँ पर 40% की वैल्यू निकाल दी, देखो 40% 400 रुपीज़ खर्च करता है। अब आपने देखा 100 रुपीज़ खर्च, 100 रुपीज़ कमा रहा है, वो 1000 रुपीज़ कमा रहा है, 400 खर्च कर रहा है, तो रिमेनिंग उसके लिए इनकम आई वागे 600। फिर मैंने पूछा सेविंग परसेंटेज में बताओ, सेविंग परसेंटेज बताओ, फिर आपने सेविंग को परसेंटेज में चेंज किया 600 आउट ऑफ 1000 आउट ऑफ 1000 टू 100, तो आपने तो सॉल्व करके मुझे बताया कि इसका आंसर है 60%। तो एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ये है सॉल्व करने का, तो इसमें आपने कितने स्टेप देखे सर? पहला स्टेप आपने स्पेंडिंग कैलकुलेट की, दूसरे आपने इसमें सेविंग कैलकुलेट की, और थर्ड स्टेप आपने इसमें ये कैलकुलेशन की परसेंटेज वाली। एक स्टेप ऐसा नहीं कर सकते आप, दूसरा तरीका ऐसे भी तो हो सकता है कि आपने कहा कि ठीक है सर वो 100 रुपीज़ अर्न करता है, 1000 रुपीज़ सॉरी, ठीक है 1000 रुपीज़ अर्न करता है, टोटल उसकी क्वालिटी होगी उसकी टोटल अर्निंग है, यानी 100% उसको कह सकते हैं, 100 में से अगर वो 40% खर्च करता है, 100 में से अगर 40% खर्च करता है तो सेविंग ना, तो सेविंग ना आपकी कितनी होगी, सेविंग ना आपकी, तो सेविंग ना आपकी हम ऐसे निकाल सकते हैं, रुपीज की बात ही नहीं कर रहे हम, रुपीज की बात नहीं कर रहे हम, परसेंटेज टर्म्स में भी सेविंग निकाल सकते हैं ना हम, परसेंटेज के टर्म्स में तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। 100% कमा देगा, 40% खर्च कर देगा, 100 में से 40% माइनस कर दो तो सर आ गई आपकी सेविंग, आपकी सेविंग आ गई 60%। आप बोले 60% के टर्म्स में निकालोगे 60% आप 1000 निकाल दो, ये 60% सेव करता है, 60% कितना सेव करता है, तो जब 60% जब 1000 जितना कमाता है अगर 60% खर्च करता है तो सर 60% निकाल लो, सॉल्व कर दो कि आपका 600 आ गया। बात एक ही है, चाहे आप कैसे भी करो, आप कैसे भी करो, आप कैसे भी करो, बात तो एक ही है ना,
तो एक ही है ना, कैसे भी करूँ तो ये तरीका जो मैं आपको सैलरी में समझाना चाहता हूँ, सेकंड तरीके में समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको परसेंटेज में कैसे चीज़ें दी हैं तो परसेंटेज में कर दो, आपको उनको नंबरों में से गिना करो, नंबरों में जब बोले तभी करो, अदरवाइज मत करो। तो क्वेश्चन है इसके तो आप कैसे से समझाओ, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ऐसे नहीं समझ आ रहा ना, मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ। हाँ ये रहा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर टू, अ मैन स्पेंड्स 65% अ मैन स्पेंड्स 65% ऑफ हिज सैलरी, वो अपनी सैलरी का 65% क्या करता है खर्च कर देता है, एंड सेव्स 525 पर मंथ, एंड सेव्स 525 पर मंथ, अब पर मंथ वो कितना सेव करता है 525 सेव करता है, तो उसकी सैलरी निकालनी है, वो क्या निकालनी सैलरी, सैलरी तो बाद में आने दो, बाद में आने दो, बस परसेंटेज के टर्म्स में समझ रहा, परसेंटेज के टर्म्स में आप कुछ आप कैसे भी कर सकते हैं, मैं परसेंटेज के टर्म्स में बता रहा हूँ। सर अगर वो स्पेंड करता है 65% ऑफ सैलरी, तो सैलरी तो उसकी क्या हो जाएगी 100%, क्योंकि सर जो आता है वो तो 100% आएगा ना, फिर हम थोड़ा थोड़ा करके खर्च करते हैं, तो सैलरी तो होगी 100%, 100% में वो 65% तो वो खर्च कर देता है, तो सर जो सेविंग करता है वो सेविंग कितना करता होगा, मैं ये कह सकता हूँ कि 35% ऑफ सैलरी जो है वो इतनी है 525। सर ये कैसा आया, अरे ये कैसा है देखो, 35% ऑफ सैलरी मतलब क्या, ये 35% हमने भी क्या निकाली सेविंग, 35% क्या है सेविंग, 35% ऑफ सैलरी क्या है सेविंग, तो हमने इक्वल टू सेविंग का अमाउंट दिया, क्या गलत लिखा ये क्वेश्चन, क्या गलत लिखा ठीक है। और अब मैं इसको सॉल्व करके क्या मैं सैलरी के लिए निकाल सकता हूँ, पूछा था फाइंड फाइंड इज मंथली सैलरी, तो उसकी वैल्यू आप अब निकाल सकते हो क्या, हाँ सर निकाल सकते हो सर, इसको सर इसको एक्स मान लो सैलरी को, और उसको सैलरी को एक्स मान के पूरा सॉल्व कर लो, ये तरीका ये है, इसमें आपको केवल एक इक्वेशन बनाना पड़ा, इसमें आपको केवल एक इक्वेशन बनाना पड़ा, लेकिन अगर आप ऐसे करो सर नहीं ये तरीका नहीं, दूसरा तरीका बताया, दूसरा तरीका पता है क्या है आपका, तो पहले आपको यहाँ पर x मानना पड़ेगा, यहाँ पर पहले x मान 65% ऑफ x, 65% ऑफ x करके आप पहले फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप पहले खर्चा निकालो, तो आपका खर्चा पता क्या आएगा 0.65x, फिर आपने कहा टोटल खर्चा ये है तो टोटल सेविंग कितनी है 525, यानी कि टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 0.65x प्लस 525 इज इक्वल टू, फिर आप x कर देना इक्वल टू क्या कर देना x, पर इसको सॉल्व करना, तो इक्वेशन काफ़ी डिफिकल्ट पड़ जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट पड़ जाता है, तो ये ऊपर वाला इजी है, यानी परसेंटेज के टर्म्स में पहले सॉल्व कर लो और फिर आप सॉल्व कर लो। अब एक क्वेश्चन आता है, सर आपने यहाँ पे 35% ऑफ सैलरी लेकर ही सॉल्व करा है, आप यहाँ पे 65% ऑफ सैलरी लेकर तो सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 65% की वैल्यू दी हुई है, तो देखो हम वैल्यू वो लेते हैं जिसकी वैल्यू दी हो, मतलब क्या मैं आप लिखा 65% ऑफ सैलरी, ये स्पेंडिंग है ना, स्पेंडिंग क्या स्पेंडिंग का अमाउंट दिया हुआ है कहीं पे मेरे को नहीं, लेकिन सेविंग का मेरे को अमाउंट दिया हुआ है, सेविंग का मेरे अमाउंट दिया, तो मैंने सेविंग का इक्वेशन बनाया, क्योंकि सेविंग की मेरे को अमाउंट पता है, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन सेविंग बनाया, क्योंकि अगर मेरे को अगर मैं यहाँ पे दूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊँ 65% ऑफ सैलरी इज इक्वल टू एक्स, तो ये क्या है आप दोनों नंबर वेरिएबल हो गए, एक तो ये भी एक्स हो जाएगा, फिर ये भी एक्स हो जाएगा, क्या आप सॉल्व कर पाओगे इसको, नहीं कर पाओगे, तो आपको ऐसा नंबर चाहिए होगा यहाँ पे आपको वैल्यू पता हो, यहाँ पर आपको वैल्यू पता हो, तो उस वाले में हमें सैलरी की वैल्यू पता थी, अब इसको सब सॉल्व करके बताओ, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो भी है 35% कैसे बोलेंगे 35% इंटू सैलरी एक्स मान लिया इंटू 525, अब इसको सॉल्व कर लेना एक्स के लिए आपको आ जाएगी
ठीक है, आपकी एक्सक्यूएल हो जाएगी, आपके पास ये आ रही है 1500। ये हर पर सॉल्व करें, सॉल्विंग के लिए मैं टाइम नहीं पा रहा। ठीक है, इसमें जाके एक क्वेश्चन और पक्कर आता हूँ मैं। मैं इस पेंट को 87% अभी खेल रही हूँ। एक ही टाइम में इसमें खेल गया, कितना परसेंट खर्च कर देता है, कितना परसेंट खर्च कर देता है, 87%। तो सेल का हमेशा 100 ही मानना, क्या मानना, 100%। सर अगर वो 100 में से 87% खर्च कर देता है, 100% में से 87% खर्च कर देता है, तो सेविंग कितने करता होगा? कॉमन सेंस से रिमेनिंग इसका सेविंग का होगा, रिमेनिंग इसका सेविंग का होगा, सेविंग कितनी रहेगी सर? 100 में 100% माइनस 87%। अब देखो यहाँ पे मैं करें ना डिवाइड बाय 100 करके सॉल्व करूँ, नहीं ये परसेंटेज परसेंटेज सेम है, सेम भाई भाई नहीं, ये तो आपके ये तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको डिवाइड बाय 100 करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो आपको यार 13%, यानी सेविंग जो होगा आपका परसेंटेज के टर्म्स में तो क्या होगा, 13%। 13% 13% ऑफ व्हाट? 13% ऑफ 13% कितने से सेव कर रहे हो आप सर? आपकी सैलरी का। तो आपको सेविंग का इक्वेशन है, सेविंग की वैल्यू आ गई परसेंटेज के टर्म्स में, हाँ 13% ऑफ सैलरी। तो कहते फिर ₹6,320। ओहो, सेविंग का अमाउंट भी दिया हुआ है, सेविंग का अमाउंट भी दिया हुआ है 325। तो सर अगर मैं इसके आगे लिख दूँ 325, तो आपका सिचुएशन बनी नहीं बनी है कि 13% ऑफ जो सैलरी है ना वो 325 के बराबर है। 13% जो सैलरी है ना वो 325 के बराबर। तो मान के कॉल करके सैलरी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ईजी है, ईजी है, ईजी है। ठीक है, तो ये लिखो, ये वाला दिमाग लगाओ, वैसे ही क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना, ये सेट कर लो। ये भी क्वेश्चन हुआ कि ये क्वेश्चन बेसिकली उसका है, किसका, आपको मिनिमम परसेंटेज बताया था, मिनिमम परसेंटेज परसेंटेज टू करे वाला टॉपिक। ठीक है, लिख लेना बेसिक आप टॉपिक वन, टॉपिक वन से स्टूडेंट का क्वेश्चन टॉपिक। ठीक है, ये भी टॉपिक वन का ही बेसिकली, अगर आप बात करो तो टॉपिक वन और टू आप कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, और टॉपिक टू का है, प्योर टॉपिक टू का है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये टॉपिक वन के क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे 17 वाला एक नंबर है, उसको पहले एट, उसका वो नंबर था 8000, 8000 को पहले इंक्रीज कर 20%, फिर बाद में 20% डिक्रीज कर ऑलरेडी आपको पहले दे चुका हूँ। अभी और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी क्वेश्चन करते हैं का
ये भी टॉप क्वेश्चन वन और टू उसके दिमाग लगाना पड़ेगा। ये अभी जो क्वेश्चन है 17-18 उससे रहता है। ये जो आपको 19th क्वेश्चन कहते हैं वो है 6 परसेंटेज वाला, ठीक है। यहाँ पर भी 3 परसेंटेज है, सॉरी ये भी 3 परसेंटेज ही है। ये लिखो 19th वाले की तरह यहाँ पे 100 पॉपुलेशन स्टार्टिंग मान लेना 100, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉपुलेशन क्या मान लेना 100। मैं बताता रहा हूँ किसकी तरह है, ये बताने का रीजन मेरा ये ताकि आप उन वाले क्वेश्चनों को देखो और ये वाला क्वेश्चन करो, फिर समझ आया। ये इजी है, नंबरों को इंक्रीज डिक्रीज करके बताना है। ठीक है, यही मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में। फिर 12th वाला का, 12th वाले में होमवर्क है, उसमें एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो भी कराया वही, जो भी कराया वही चाहिए। एक नंबर है, सर आप या तो ओल्ड नंबर को मान लो 100%, आप ओल्ड नंबर को क्या मान लो 100, छोड़ो उसको मत करो, उसको इंक्रीज करने का तरीका क्या है। एक नंबर 23% से इंक्रीज किया तब वो क्या होने का 61, यानी कि सर समझ मान लो एक्स को मान लो सर एक्स, तो 23% अगर आप एक्स में एक्स में प्लस करते हो 23% ऑफ एक्स प्लस करते हो तो वो क्या बन जाता है 861। ये तो कह रहा है इक्वेशन, एक नंबर है आपने उसको 23% ऐड किया, ये मैंने 23% ऐड कर दिया एक्स का एक्स में, तो वो नंबर क्या बन गया 861। अब आपको नंबर फाइंड करना है, एक्स फाइंड करके देना है, तो सॉल्व कर लो सर, ये एक्स हो गया ये प्लस, फिर 23x है, 23x डिवाइडेड बाय 100 करूँगा तो ये 0.3x हो जाएगा। अब डेसिमल वगैरह का सॉल्व करते हो ये मैं नहीं बता पाऊंगा ना, इसके तो घर पर आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है 861 इसको प्लस करूंगा मैं सर, ये एक्स है इसको 1x मान सकता हूँ ना, क्योंकि 1 लिखा है 1x हो गया, तो इसको हो गया 1. जब दोनों को प्लस करूंगा तो मैं 1.23x इज इक्वल टू 861। ठीक है, एक्स की वैल्यू सही है आपको एक्स की, तो एक्स के लिए हमें इसको अलग अकेला करना पड़ेगा, अकेले करने के लिए इसके साथ वालों को इधर भेजना पड़ेगा, और सर वो ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएंगे 1.23। अब आपकी इच्छा है आप डेसिमल में सॉल्व करो डेसिमल में सॉल्व कर लो, नहीं तो उस पॉइंट को हटाओ ऊपर 2 जीरो लगा लो। ठीक है सॉल्व तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 700, इसका आंसर आपका क्या जाएगा 700। तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या है 700, आपका ओरिजिनल नंबर इजी है, ये नोट कर लें। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 का करना है। ये सारा ये आज की आज वीडियो, ठीक है, ये वीडियो को देखने के बाद